डॉक्टर आरिफ हुसैन, सीनियर फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, औरंगाबाद में प्रैक्टिस करता हूं। मैं आइकॉन हॉस्पिटल और पैसिफिक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूं। हाल में जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, मैं समझता हूं उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। हर कोई उस मुसीबत में मुब्तला है, हर कोई चाहता है कि हमको इस बीमारी से राहत मिले, इस बीमारी से हम दूर चले जाएं और ये बीमारी हमसे दूर चली जाए। लेकिन कहा जाता है कि बीमारियों का आना जाना ये इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। हर मुश्किल, हर परेशानी के बाद ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हमको एक राहत बख्शी है। जब तक ये परेशानियां, मुश्किलात से हम नहीं गुजरेंगे, हमको इंसानियत क्या है, हमदर्दी क्या है, मजबूरी क्या है, मुश्किल क्या आती है, बीमारियों को कैसे फेस किया जाता है, इन बीमारियों में हम एक दूसरे से कैसे जुड़ना चाहिए, भाईचारगी, इंसानियत, पड़ोसी का हक, अपने रिश्तेदारों का हक, अपने तमाम चीजों के, अपने सेहत का ख्याल, ये तमाम चीजें हमारे सहन में आ जाती है। और शायद ये तमाम चीजों को हम पिछले महीने भर में काफी हद तक करीब से देखे हैं। इस बीमारी की वजह से मैं समझता हूँ काफी भाई, मेरे काफी बहने, काफी सारे लोग इससे परेशान है, और खुसूसन वो मरीज जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट्स है, वो तो काफी इससे परेशान हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने जिंदगी और मौत हर एक के लिए रखी है, लेकिन वो कब आएंगे और कब जाएंगे किसी को पता नहीं है। लेकिन इसके साथ ये बात भी उतनी ही सही है कि हमको हमारी जिंदगी में सारे अच्छे काम करने हैं, सारे अच्छी चीज करनी है, ना कि हमारे लिए, बाकी हमारे फैमिली के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे कंट्री के लिए। ये जज्बा जब हम अपने दिमाग में रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ कोई बुरी चीज नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। कोरोना वायरस को लेकर मैं सिर्फ कुछ चंद बातें अहम जो समझाऊंगा वो ये है कि सबसे पहले हमें सफाई का ख्याल रखना है। दिन में से 4 से 5 बार अच्छे से हमें हाथ धोने चाहिए। किसी भी चीज को हम टच कर रहे हैं तो देखें कि हमारे हाथ डिसइंफेक्टेड हैं, हमने अच्छे से हाथ धोया है, वॉश किया है। अगर गर्म पानी है तो गर्म पानी से वॉश किया है, साबुन का इस्तेमाल करें, किसी डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें, और उसके बाद अच्छे से मुंह धो लें अपना, ताकि मुंह के अंदर कोई जरासीम ना रहे। दूसरी अहम बात जो है, हमें सेहत को कायम रखना है। सेहत को कायम रखने के लिए जरूरी क्या चीज है? सही वक्त पर खाना, सही वक्त पर सोना, मुकम्मल 6 से 7 से 8 घंटे की नींद मुकम्मल होना चाहिए, गिजाएं बहुत ही फ्रेश हो, उमूमन वेजिटेरियन डाइट, हरी सब्जियों का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, और घर में जो भी खाना बन रहा है वो ताज़ा हो और थोड़ा कम मकदार में अच्छे से खाएं। ये तो हो गई खाने की बात। रही बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज भी हमें, वर्जिश भी अच्छे से करना चाहिए, और वक्ती तौर पर जो भी वक्त हमें मिल रहा है, चाहे 30 मिनट मिले, 40 मिनट मिले, जो भी मिल रहा है उसको एक्सरसाइज में हम सर्व करें। साथ ही साथ बहुत अहम बात यह है कि हमें सुकून की जिंदगी चाहिए, चैन की जिंदगी चाहिए, ऐसे सुकून और चैन की जिंदगी जिसमें किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो। कोरोना वायरस जो पाया गया है और जिससे लोग परेशान है, यही बताया गया है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम, जिसको दिफाई निजाम या डिफेंस सिस्टम कहते हैं, वो इतना कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये वायरस जो खतरनाक है हमारे जिस्म पर हावी हो जाता है और हमारे जिस्म के सेल्स, जिनको इम्यून सेल्स कहते हैं, वो उसको फाइट करने के काबिल नहीं रहते हैं। हेल्थी जिस्म वो है जो सुकून वाला हो, चैन वाला हो, जिसमें किसी किस्म की स्ट्रेस ना हो, सेहतमंद हो, जो रोज एक्सरसाइज करते हो, अच्छी गिजाएं खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, और अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं। कहा जाता है कि जब इंसान टेंशन में रहता है तो हमारे जिस्म के अंदर बैड हार्मोन्स, ऐसे गलत मादे पैदा होते हैं जो हमारे दिफाई निजाम को, हमारे डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। इसलिए चाहिए कि हम स्ट्रेस से दूर रहें, सुकून की जिंदगी करें, खुशहाल रहें।
बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास डायबिटीज के हैं, हार्ट के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, किडनी की बीमारियों के हैं। अक्सर वो बेशतर ये मेरे मुझसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर साहब हमको तो ब्लड प्रेशर है, हमको तो शुगर भी है, और ऐसा हम टीवी पर देख रहे हैं और ऐसा पढ़ भी रहे हैं कि जो मरीजों को डायबिटीज है, जो मरीजों को ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं या सांस की बीमारियां हैं, उनमें कोरोना वायरस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है और बहुत ज्यादा बर्बादी कर रहा है, डिजास्टर कर रहा है, और उससे मुख्तलिफ और अमवात या डेथ्स भी काफी हो रहे हैं। तो मैं सभी से यही अपील करूंगा कि इसमें कतई घबराने की कोई बात नहीं है, अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। ऊपर वाले ने जब थोड़ी बहुत तकलीफ दिया तो हमारे उस तकलीफ के साथ हमें खुशी भी देने वाला है। तो बहरहाल आपसे इतनी ही गुजारिश है, जितने भी शुगर के पेशेंट्स है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स है, हार्ट के पेशेंट्स है, किडनी के पेशेंट्स है, उनसे मैं कहूंगा कि जो भी दवाएं वो खा रहे हैं पाबंदी के साथ खाएं, डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लाएं, शुगर कंट्रोल में नहीं है तो शुगर को कंट्रोल में रखें, और वक्तन फोक्तन चेक किया करें कि आपकी शुगर का लेवल क्या चल रहा है। डायबिटीज के पेशेंट हाई शुगर होने की वजह से ये ज्यादा शुगर हमारे जिस्म का जो डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम रहता है उसको कमजोर कर देता है, और ये कमजोर डिफेंस सिस्टम और इम्यून सिस्टम ही वायरस को बढ़ाई देने में मदद करता है, और वायरस नहायत ही खतरनाक तस्वीर या खतरनाक रूप अख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम सही गिजा का इस्तेमाल करें, सही वक्त पर खाएं, सही दवाएं इस्तेमाल करें, बराबर चेक करते रहें, वर्जिश करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। और सबसे अहम बात, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे कंट्री ने, हमारे पीएम ने जो भी एडवाइस दी है क्वारंटाइन लॉकडाउन के हिसाब से, उन तमाम चीजों पर हम अमल करें और पुलिस के साथ भी कोऑपरेशन करें। एक अच्छी सोच, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छे कंट्री को अच्छाई की तरफ ले जाएंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी दो बात खत्म करता हूँ। अल्लाह सबको सेहत दे, सबके मुश्किलात को दूर करे, यही दुआ करता हूँ। थैंक यू।